नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियम में हुआ बदलाव। तो खबर को आगे बढ़ाने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। सेवाकाल में मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर पंचायत, प्रखंड या नगर शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इस प्रावधान में बिना कोई संशोधन किए शिक्षा विभाग ने इसे यथावत रखने का निर्णय किया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी किया है। आदेश विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुकंपा के आधार पर नियोजन से संबंधित प्रावधान में कोई संशोधन किए बगैर तत्काल उसे यथावत रखने का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार अनुकंपा पर नियोजन हेतु संबंधित आश्रित को अपेक्षित अर्हता यथा पंचायत या प्रखंड या नगर शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु इंटरमीडिएट होने के साथ साथ प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ऐसे में ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब शिक्षक का लड़का ट्रेंड होकर TET निकाल लेगा तो उसे सरकार से अनुकंपा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। अनुकंपा का मतलब होता है का खराब समय में सरकार का साथ मिलना, जिससे उस शिक्षक के परिवार को सहारा मिले। ऐसे में सरकार को अपने इस आदेश पर जरूर विचार करना चाहिए। ये आदेश कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।